एवरीवन, आज हम बनाने जा रहे हैं ब्रेड कैनेपीज, जो मैं बहुत ही इजी तरीके से आपको बनाना सिखाऊंगी। अगर आप भी आप मार्केट से नहीं खा पा रहे हैं तो आप इसे बहुत ही इजीली घर पे बना के तैयार कर सकते हैं। सो, चलिए स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी बनाना। आज हम ब्रेड कैनेपीज बनाएंगे, उसके लिए हमें चाहिए 4 स्लाइसेस ब्रेड। आज मैं ब्रेड से बनाना सिखाऊंगी, तो ये मैंने 4 स्लाइसेस ब्रेड ले लिए हैं। तो इस ब्रेड का मैं एक पीस ले रही हूँ और हमें कुछ इस तरह की कटर की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपके पास ये कटर अवेलेबल नहीं है तो आप कोई भी डब्बे का ढक्कन यूज़ कर सकते हैं, जो आपके घर पे अवेलेबल हो उससे आप कट कर सकते हैं। तो ये मैं एक ब्रेड ले लिया है मैंने, तो इस कटर की हेल्प से हम इसे राउंड शेप में कट कर लेंगे कुछ इस तरह से। ये देखिए, ये मैंने राउंड शेप में से कट कर लिया है, इसी तरह से हम सारे कर लेते हैं। ये मैंने चारों कट कर लिए हैं और ये ब्रेड आप क्रम्स बनाने में यूज़ कर सकते हैं, तो ये मैं निकाल रही हूँ। इसी तरह से हम अपने सारे तैयार कर लेते हैं, कट कर लिए हैं। तो अब मैंने ये एक ब्रेड का पीस लिया है जो हमने राउंड कट किया था, इस पे हम हल्का हल्का बेलेंगे। ये मैं बेल रही हूँ, ये एकदम हल्के हाथों से ही बेलें वरना आपकी ब्रेड फट जाएगी, तो आप ध्यान रखें। ये देखिए, हमें इस तरह से सारे पीसेस बना के तैयार कर लेने हैं, इसी तरह हल्के हल्के हाथों से हमें बेलना है। मैंने सारी सीड्स बना के तैयार कर लिए, आप देख सकते हैं ये मैंने सब तैयार कर लिए। अब इसकी हम स्टफिंग तैयार करते हैं। स्टफिंग बनाने के लिए मैंने एक पतीला लिया है जिसमें मैं डाल रही हूँ ये शिमला मिर्च है जिसको मैंने बारीक कट कर लिया है, ये मैं इसमें डाल रही हूँ। मैंने डाल दिया शिमला मिर्च। अब ये टमाटर है जिसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है, इसका जो अंदर का पार्ट होता है वो मैंने निकाल दिया है, सिर्फ इसका कवर मैंने कट किया हल्के हल्के हाथों से। इसका कटिंग करनी है आपको, ये मैंने चॉप किया, जितने छोटे पीसेस में आप कर सकेंगे उतना अच्छा लगेगा, तो आप इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में कट करें। और ये मैंने डाल दिया है। अब मैं डाल रही हूँ गाजर, गाजर को भी मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है कुछ इस तरह से, वो भी मैं इसमें डाल रही हूँ। ये हरी मिर्च है जो मैंने लिया है, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं अगर आपको पसंद नहीं है तो। ये मैं डाल रही हूँ, इसको भी मैंने महीन चॉप कर लिया है। और ये है प्याज जिसको भी मैंने बारीक कट कर लिया है, वो भी मैं इसमें डाल रही हूँ। ये मैंने डाल दिया है। अब इसमें हम डालेंगे नमक, तो मैं ये डाल रही हूँ 1/2 चम्मच नमक। ये मैंने सफ़ेद वाला नमक लिया है, आप चाहे तो ब्लैक सॉल्ट भी यूज़ कर सकते हैं। और 1/4 चम्मच में डाल रही हूँ इसमें गोल मिर्च का पाउडर, ये मैंने डाल दिया है 1/4 चम्मच। और इसमें हम डाल रहे हैं ओरिगेनो। ओरिगेनो में ओरिगेनो सीड्स आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं, मैंने 1/4 चम्मच लिया है, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये मैंने मिक्स कर लिया अच्छे से। अभी हमारी स्टफिंग तैयार है, चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। ये मैंने अपे स्टैंड लिया है और अपने गैस की फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है, तो इसके अंदर हम 1 ड्रॉप इसमें हम ऑयल डाल रहे हैं। ये मैंने रिफाइंड ऑयल लिया है, आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं। ये मैंने ग्रीस करने के लिए लिया है, 1 ड्रॉप सब में ऑयल डाल दिया है। अब हमने जो पीसेस तैयार किए थे ब्रेड की, वो हम एक एक पीसेस अपने गैस की फ्लेम को हम लो कर रहे हैं और इसमें हम डाल देंगे कुछ इस तरह से। इसे हमें कप्स की तरह बिठा लेना है, तो इसे आप ध्यान से बिठाएं तो ये परफेक्टली बन के तैयार होगा। ये मैं सब में डाल रही हूँ, ये आप लो फ्लेम पे ही करें तब आपका ये परफेक्टली बन के तैयार होगा। ये मैंने सब में लगा रही हूँ। ये देखिए, मैंने लगा दिया है। अब इसके अंदर हम भरेंगे स्टफिंग जो हमने तैयार की थी, ये आप लो फ्लेम पे ही करें तब आपका ये परफेक्टली बनेगा। तो ये देखिए, मैं स्टफिंग डाल रही हूँ इस पर। आप स्टफिंग अच्छे से फील करें तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। ये मैं डाल रही हूँ इसमें,
आप स्टफिंग अच्छे से फील करिए तो अब इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो ये मैं सब में डाल रही हूँ। ये मैंने डाल दिया है। अब इस पर हम डालेंगे चीज़। ये मैंने ग्रेटेड चीज़ लिया है, ये मैंने चीज़ क्यूब लिया है, इसको मैंने ग्रेट कर लिया है। तो हम ये इसके ऊपर डाल देंगे अच्छे से। ये सब पे आप अच्छे से डाल दें। इस चीज़ से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, तो चीज़ आप अच्छे से फैलाएं। ये मैंने डाल दिया है। ये देखिए चीज़ तैयार है। अब अभी ये हम लो फ्लेम पे इसे सेक लेंगे, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ हमारे कैनेपीज कैसे लग रहे हैं। देखिए हमारी चीज़ अच्छे से मेल्ट हो चुकी है और अच्छे से सिक भी चुके हैं। तो अब इसे हमें निकाल के दिखाती हूँ ये कैसे लगते हैं। ये फ्लेम गैस की फ्लेम से मैंने निकाल लिया और ये हमारा परफेक्टली बन के तैयार हो चुका है। देखिए मैं नीचे से दिखाती हूँ। ये देखिए नीचे से एकदम परफेक्टली बन के तैयार हुआ है और ऊपर से भी ये हमारे परफेक्टली तैयार हुए हैं। तो मैं सब निकाल लेती हूँ। देखिए हमारे कैनेपीज बिल्कुल तैयार है और ये दिखने में कितने अच्छे लग रहे हैं। और ये देखिए मैं दिखाती हूँ नीचे से भी कितने परफेक्टली बन के तैयार हुए हैं। ये देखिए और ये खाने में उतने ही टेस्टी लगते हैं। आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है और कितना सुंदर लग रहा है और खाने में उतने टेस्टी लगते हैं। तो अब चलिए हम इसकी प्लेटिंग करते हैं। ये हमने ब्रेड कैनेपीज या ब्रेड पिज़्ज़ा आप कुछ भी बोले ये तैयार हो चुका है। तो अब थोड़ा थोड़ा हम ऑरेगानो लेंगे और इसके ऊपर हल्का हल्का डाल देंगे कुछ इस तरह से, ताकि इसका टेस्ट बिल्कुल पिज़्ज़ा जैसा आए। तो ये मैं बेसिल सीड्स हैं जो मैं डाल रही हूँ, ये मैंने डाल दिया है और ये हमारा बिल्कुल तैयार है। ये देखिए दिखने में कितना अच्छा लग रहा है, आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट बन के हमारा तैयार हुआ है। तो आप भी इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करें। थैंक यू एंड एन्जॉय।